गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन द ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। लेसन का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, अतीत की झलकियाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू इवेंट्स ऑफ 1757? क्या आपको लगता है जो भारतीय राजकुमार थे उनकी जो 1757 की जो घटना थी, उनकी जो दूरदृष्टि थी वो सही नहीं थी, या उनको आगे का ज्ञान नहीं था कि क्या होने वाला है, अदूरदर्शी थे वो? तो आंसर है हमारे यस, हाँ, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू 1717 इवेंट, जो 1757 की घटना थी उसमें वो शॉर्ट साइटेड थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, ये ग्रामेटिकल है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको हम बाद में करेंगे। तो हम आते हैं डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे। इन पिक्चर टू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स, जो लेसन के अंदर दूसरी तस्वीर दिखाई गई है उसके अंदर जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके सुपीरियर वेपन जो उत्तम हथियार उनके क्या थे? तो आंसर है टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी तौर पर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फार सुपीरियर टू द इंडियन प्रिंसेस, जो भारतीय राजकुमार थे उनसे काफ़ी ऊंची थी वो तकनीकी तौर पर। हु वर कॉन्स्टेंटली एट वार, वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। द इंग्लिश मैन हैड एक्सेस टू बेटर क्वालिटी वीपन्स, जो अंग्रेज थे उनके पास उच्चतम प्रकार के हथियारों तक पहुँच थी। दिस प्रोमोटेड द इंडियन प्रिंसेस टू सीक देयर हेल्प इन देयर फाइट्स, इसलिए जो भारतीय राजकुमार थे वो आपस में लड़ते रहते थे जो राजा थे, तो उन्होंने कंपनी की सहायता लेनी शुरू कर दी। दिज इंटरनल राइवलरीज, इंटरनल होती है आंतरिक, यह आंतरिक राइवलरी शत्रुता, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी सबडू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, जो उनकी आपस की शत्रुता थी ना भारतीय राजाओं की, तो उसने क्या है कंपनी को मदद कर दी, किस प्रकार, कंपनी के द्वारा एक एक करके दबाए जाने में, एंड फाइनली गेन कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया, तुरंत में कंपनी पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लेती है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबडू द इंडियन प्रिंसेस, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारतीय राजाओं को उसने कैसे दमन किया, दबाया? तो इसका आंसर है द इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली एट वार विद ईच अदर, जो भारतीय राजकुमार थे लगातार एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। दे कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स टू हेल्प देम इन देयर राइट्स फाइट्स, उन्होंने क्या है कंपनी के जो व्यापारी थे उनसे मदद लेनी शुरू कर दी आपसी लड़ाई में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू कॉन्स्टेंट फाइट्स, और जो भारतीय लोग थे उनकी आपस की लगातार लड़ाई की वजह से उनमें शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी सबडू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, इसलिए जो उनकी शत्रुता थी उसने कंपनी को मदद कर दी एक 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 करके सबको दबाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एन आर्टिसन, एक हस्तकलाकार कौन होता है? व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो हस्तकलाकार थे उनका सफर कैसे हुआ, उनको किस तरह समस्या का सामना करना पड़ा? तो आंसर है एन आर्टिसन इज ए स्किल्ड मैनुअल वर्कर, एक कुशल कर्मचारी होता है जो मैनुअल काम करता हाथ से। हु क्राफ्ट आइटम्स दैट मे बी फंक्शनल और स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव, वो खास तौर पर हाथ से सजे होते हैं। The artisans suffered because the British were extracting very high taxes from them, जो ब्रिटिश थे अंग्रेज थे भारतीयों से वो क्या करते थे काफ़ी हाई टैक्स लेते थे, विच रूल देम इकोनॉमिकली, जिससे जो भारतीय ये हस्तशिल्प वाले कलाकार थे
वो आर्थिक तौर पर काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं। मोर ओवर इससे ज़्यादा मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मशीनों के द्वारा बनाया गया सामान इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन से इंडिया में लाया जाता था, वर सोल्ड एक्सटेंसिवली, और उसको बिल्कुल घुमा फिरा कर बेचा जाता था। विच रूइंड द बिजनेस ऑफ द आर्टिसंस हैंडमेड गुड्स, जो भारत के हाथ से बनाने वाले सामान थे उनका जो काम था उसको बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीच द सेम प्रिंसिपल्स। जो राजा राम मोहन रॉय थे उसने कुछ शब्द कहे थे कि जो भी धर्म है, जो भी धर्म है उसके सबके सिद्धांत एक समान है। तो कैसे शब्द बोले थे उसने, तो उसने बताया था अकॉर्डिंग टू राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के अनुसार काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो गाय होती है वो अलग अलग कलर की होती है, रंग की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके जो दूध का रंग है वो सबका समान होता है, एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, हर एक धर्म गुरु का अलग अलग मत है, बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन हर धर्म का जो आधार है वो सबका एक जैसा है। नेक्स्ट है, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट, जो विद्रोह की आग थी उसकी सबसे पहली चिंगारी जो उठती है, उभर कर आती है, तो वो कौन सी पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर है पिक्चर 7, द स्पार्क्स रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट, जो विद्रोह की आग थी उसकी जो पहली चिंगारी थी वो 7वीं पिक्चर में दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लोइट इंडियन, किस ढंग से जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भारतीयों का शोषण किया था। तो उसका आंसर ये है, टू अर्न क्विक प्रॉफिट्स, एकदम से फायदा उठाने के लिए द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस, उन्होंने बहुत हैवी टैक्स लगा दिए, देर वॉय फोर्सिंग द इंडियन फार्मर्स टू अबांडन देयर लैंड्स फील्ड्स, इसने मजबूर कर दिया भारतीयों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए। दे डिसाइडेड टू डू अवे विद इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो अंग्रेज सामान लेके आते थे ब्रिटेन में भारत के लिए उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है उन्होंने वो ड्यूटी हटा दी। दिस क्रिप द इंडियन इंडस्ट्रीज, इसने भारतीय इंडस्ट्री को, उद्योग धंधों को काट के रख दिया। इन 1818 में दे पास्ट रेगुलेशन 3, इन्होंने एक तीसरा बिल पास किया अंडर इट, जिसके आधार पर एन इंडियन कुड बी जेल्ड, एक भारतीय को जेल में डाला जा सकता है विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कोर्ट या अदालत में बिना कोई केस चलाए उसको जेल में डाला जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, अब जो अंग्रेज थे क्या है उनको बड़ी बड़ी तो सैलरियाँ मिलती थी भारी मोटी मोटी, और दूसरा उनके जो निजी व्यापार थे उनमें भी वो बहुत सारे फायदा उठाते थे। बाई 1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, भारत से लगभग 7 करोड़ रुपये का जो गुड्स था सामान वो ले जाते थे। दी ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, जो कंपनी लूट कर रही थी यानी कि लोगों को लूट रही थी, उस लूट की वजह से जो ब्रिटिश थे वो प्रोस्पर हो गए, समृद्ध हो गए। वाइल द इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो मरना शुरू हो गए, ख़त्म होना शुरू हो गए। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, द रूलर हु फोट पीस्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, वो भारतीय रूलर कौन था जो अंग्रेजों तक मरते दम तक लड़ता रहा, कौन था वो, तो वो थे उवर सिंह, एक टीपू सुल्तान भी थे। सेकंड है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वो इंसान जो समाज सुधार करना चाहता था
वो था राजा राम मोहन राय। थर्ड है द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना कौन चाहता था, वो थे मैकियावेली। और फोर्थ है टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, वो दो मशहूर नेता जिन्होंने विद्रोह को शुरू किया वो कौन कौन थे, मौलवी अहमद उल्ला ऑफ फैजाबाद एंड पेशवा नाना साहब, इन्होंने क्या था विद्रोह में शुरू किया था। लास्ट क्वेश्चन है टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग देन, उस समय जो समाज में दो बुराइयां चल रही थी वो कौन सी थी, एक तो थी अनटचेबिलिटी और दूसरी चाइल्ड मैरिज। एक तो बचपन में शादी की जाती थी और एक छुआछूत होती थी। सेकंड है टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे उनकी दो काफ़ी दमन करने वाली नीतियाँ कौन सी थी, वो थी द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डू अवे विद इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो सामान बना जाता था और भारत ला जाता था उस पर कोई टैक्स नहीं था। दिस सेवरली अफेक्टेड इंडियन इंडस्ट्री, इसने बहुत कड़वे तौर पर भारतीय जो उद्योग धंधे थे उसको प्रभावित किया। इन 1918 में दे पास्ड रेगुलेशन 3 और उन्होंने तीसरा बिल लागू कर दिया, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, एक भारतीय को बिना किसी उसके FIR के सूचना के जेल में केस चलाए बगैर जेल में डाल दिया जाता था। थर्ड है टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, वो कौन से दो तौर तरीके थे अंग्रेजों के जिसकी वजह से भारत के आम आदमी काफ़ी परेशान हुए, वो थे दे लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स, उन्होंने अपनी पुरानी नौकरियां और जमीन खो दी, दे वर बीइंग कन्वर्टेड बाय द ब्रिटिश, और अंग्रेजों के द्वारा उनको बदल दिया गया। नेक्स्ट है फोर रीजन फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो चार क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत में 1857 का विद्रोह हुआ, तो वो कौन से थे, आंसर है डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग अमंग द इंडियंस, भारतीयों के अंदर जो असंतुष्टि थी वो उभर रही थी, दे फेल्ट दैट उन्होंने महसूस किया देयर किंग्स हु वर सपोज टू बी देयर प्रोटेक्टर्स वर मेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, भारत के लोग ये सोचने लगे कि जो भारतीय राजा थे अब वो केवल अंग्रेजों की पपेट्स होता कठपुतलियाँ, अंग्रेजों की कठपुतलियाँ बन चुके थे। दे लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स, उन्होंने अपनी नौकरियाँ और जमीन खो दी, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स, और जो टैक्स थे लगातार किसानों को बर्बाद कर रहे थे। देयर वॉज डिसकंटेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और जो अंग्रेजों की आर्मी थी उसमें भारतीय सैनिक थे वो भी असंतुष्ट थे। द वाइट सोल्जर गोट ह्यूज पे, और जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको बहुत ऊंची सैलरी मिलती थी, ह्यूज पे मिलती थी, मैंसन मिलते थे, महल मिलते थे टू लीव इन रहने के लिए एंड सर्वेंट्स, और उनको नौकर भी मिलते थे। वाइल जबकि द इंडियन सोल्जर्स गोट ए पीटेंस एंड सोलो प्रमोशन, उनको कम सैलरी मिलती थी और उनकी जो है प्रमोशन भी नहीं होती थी। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, कुछ एक अंग्रेज थे जो भारतीय रीति रिवाजों को समझते थे और लोगों के दिमाग को समझते थे। द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स वर ऑल्सो हर्ट, दोनों धर्म जो मुस्लिम है और हिंदू है इनकी भावनाओं को चोट लग रही थी। द ग्रीस ऑन द बुलेट्स दे हैड टू बाइट वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो चर्बी लगी होती थी उन तीरों पे जो मुंह से छीलकर चलाने पड़ते थे सैनिकों को, उन पर गाय और सूअर की लगी होती थी जिससे सैनिकों में क्या है गुस्सा आ जाता है वो विद्रोह कर देते थे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको
ये देख के या लिखने हैं और इनको